आजादी के अमृत महोत्सव के चलते आरपीएफ द्वारा भी कार्यक्रम किए जा रहे हैं। अमृत महोत्सव के दौरान आरपीएफ एलईडी वैन रवाना की गई है। एलईडी वैन के माध्यम से आरपीएफ की उपलब्धियां रखी जा रही हैं। आज़ादी के 75 साल पूरे हो गए हैं। 75 साल पूरे होने पर अमृत महोत्सव देश भर में मनाया जा रहा है। आगरा में भी कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। सरकारी गैर सरकारी संस्थाएं कार्यक्रम आयोजित कर रही हैं। आरपीएफ के द्वारा भी कार्यक्रम किए जा रहे हैं। पूर्व में भी आरपीएफ ने कार्यक्रम आयोजित किए। आरपीएफ ने एलईडी मोबाइल वैन रवाना की है। एलईडी मोबाइल वैन के माध्यम से आरपीएफ की वीर गाथा लोगों को बताई जाएगी। मंडलीय प्रबंधक ने मोबाइल वैन को रवाना किया। इस दौरान आरपीएफ के वैन ने देशभक्ति गीत प्रस्तुत किया। मंडलीय प्रबंधक का कहना था कि जिस तरीके से अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है उससे लोगों में देशभक्ति की भावना बढ़ी है। लोग जान पा रहे हैं आखिर किन लोगों ने देश के लिए बलिदान किया। आरपीएफ भी इसी काम में जुटी हुई है। लगातार आरपीएफ के द्वारा भी कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। ये आज़ादी के अमृत महोत्सव में हम लोगों ने कई सारे कार्यक्रम किए, जैसा कि आप लोगों ने देखा है और कवर किया है पास्ट में। उसी सिलसिले में ये एक हमारे आरपीएफ द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिसमें कि एक डिस्प्ले वैन हम लोग 20 स्टेशन पर आगरा डिवीज़न के ले जाएंगे और ये कार्यक्रम 10 अगस्त तक चलेगा। और इसका उद्देश्य है कि जो आरपीएफ द्वारा जो अच्छे काम किए जा रहे हैं, जो पब्लिक हित में हैं, उनसे लोगों से शेयर करना, उनको बताना कि हमारी टीम इस तरह की से काम करती है। आरपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट डीके चौहान ने बताया कि मोबाइल वैन आगरा मंडल के सभी रेलवे स्टेशनों पर पहुंचेगी, जहां पर एलईडी के माध्यम से आरपीएफ के कार्यों को बताया जाएगा। इसके अलावा देश के वीर सपूतों की कहानी भी बताई जाएगी। हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और उसी के तहत भिन्न भिन्न प्रोग्राम हमारे द्वारा पहले से ही किए जा रहे हैं पूरे मंडल में। जैसे कि हम पानी की व्यवस्था कर रखी है, हमने बहुत सारे स्टेशनों पे पौधारोपण किया जा रहा है, रन फॉर यूनिटी किया जा रहा है। उसी के तहत ये एक प्रोग्राम हमारे द्वारा, हमारे जो प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त हैं उनके आदेश पर ये किया जा रहा है, जिसमें एक एलईडी वैन है। एलईडी वैन में हमारा जो अमृत गीत है रेलवे सुरक्षा बल का, उसको डिस्प्ले किया जाता है। साथ ही साथ जो आरपीएफ द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्य हैं, अच्छे कार्य हैं, उनका भी डिस्प्ले किया जाता है। ये डिस्प्ले वैन आज माननीय मंडल रेल प्रबंधक महोदय द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है और ये 20 स्टेशनों पे पूरे आगरा मंडल में भिन्न भिन्न जगहों पे जाएगी और 10 अगस्त तक ये कार्यक्रम कंटिन्यू रहेगा। आज़ादी का अमृत महोत्सव पूरे उत्साह के साथ हर जगह मनाया जा रहा है। सभी में जबरदस्त उत्साह दिखाई दे रहा है। हम सभी का दायित्व बन जाता है अमृत महोत्सव के चलते हर घर पर तिरंगा फहराया जाए। सभी अपने अपने घरों पर तिरंगा फहराएं। राकेश कनौजिया, सी न्यूज़, आगरा।